गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंगन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग लेक्चर। होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंग्लिश टू लेक्चर। सभी को आपको इंग्लिश टू की वर्कबुक ओपन करनी है। ओके, इंग्लिश टू की वर्कबुक ओपन करेंगे और चैप्टर नंबर 26 पेज नंबर 41 हम ओपन करेंगे। देखो पेज नंबर 41 है, लाइक चैप्टर नंबर है हमारा 26। फर्स्ट हम डेट मेंशन करेंगे, CW लिखेंगे और यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है होमवर्क में। लेक्चर नंबर हमारा 2 है। होमवर्क, डू चैप्टर नंबर 26, राइट पेज नंबर 41, 42 इन नोटबुक फ्रॉम वर्कबुक। जो ये एग्जांपल्स मैं आपको करवा रही हूँ, 41 और 42 पेज नंबर पे, वही आपको होमवर्क में मेंशन करना है। ओके, ये आपका होमवर्क है। वन वर्ड फॉर मैनी, ये चैप्टर का नाम क्या है? एक वर्ड का क्या होता है? बहुत सारा। तो देखो क्या दिया है, री राइट द सेंटेंस यूजिंग वन वर्ड इन द प्लेस ऑफ द वर्ड इन इटैलिक्स। देखो ये यहाँ पर क्या दिया है, वन वर्ड सेंटेंस में वन वर्ड मेंशन किया होगा और चूज वर्ड योर फ्रॉम चूज योर वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वही हमको यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें आपको देखना है और उसमें से सिलेक्ट कर आपको यहाँ पर फिल करना है और उसकी जगह पर हमको यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं वो लिखने हैं और हमें सेंटेंस न्यू बनाना है और कंप्लीट करना है। ओके, एग्जांपल में लिखा है दैट टेरेबल एक्सीडेंट टुक प्लेस हियर। टेरेबल एक्सीडेंट टुक प्लेस, तो देखो टुक प्लेस की बदले क्या लिखा है, दैट टेरेबल एक्सीडेंट ऑकर्ड हियर। दोनों का क्या है यहाँ, टुक प्लेस मतलब एक जगह और उसका बहुत सारा कर दिया। देखो वन वर्ड फॉर मैनी, तो वन वर्ड क्या था, टुक प्लेस, वहाँ ओ मैनी क्या हो गया, ऑकर्ड। ओके, बहुत सारा, एक का मीनिंग है बहुत सारा, मैं हमको कन्वर्ट करके सेंटेंस बनाना है। देखो फर्स्ट नंबर में लिखा है माय फ्रेंड स्कोर्ड 100 रन इन द मैच। कितना लिखा है देखो यहाँ पर, 100, तो एक यहाँ पर मेंशन किया है कि 100 रन उन्होंने स्कोर किया है, और यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स, यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें से देखो कौन सा वर्ड आएगा, माय फ्रेंड स्कोर अ, यहाँ पर मेंशन किया है सेंचुरी, तो देखो मैंने सेंचुरी इन द मैच, उन्होंने इसमें 100 दिया था पर यहाँ पर क्या लिखा 100 की जगह पे, सेंचुरी इन द मैच। वन वर्ड का क्या किया हमने, बहुत सारा, मैनी, चैप्टर नेम ही यही है, वन वर्ड फॉर मैनी। ओके, पेज टर्न करेंगे, 42 पेज नंबर ओपन करेंगे। देखो पेज नंबर 42 पर है हमें क्वेश्चन 2, 8 सेंटेंसेस हैं। देखो क्या लिखा है, हीरा वुड द लेटर इन द केयरलेस फैशन। देखो केयरलेस फैशन, तो क्या लिख आया है वहाँ पर, आगे हमें दिया गया है केयरलेस का रेक्सलेस दिया हुआ है। तो देखो हीरा रोट द लेटर रेक्सलेस, केयरलेस की जगह हमने केयरलेस फैशन, तो इसने हमने क्या लिखा यहाँ पर, रेक्सलेस। पैराग्राफ में आगे हमें वर्ड्स दिए हैं, उसमें से हमने ये वर्ड लिया है और यहाँ पर पुट किया है। थर्ड नंबर में देखेंगे, ही इज़ ए मैन हु वाइफ इज़ डेड। क्या लिखा है, ही इज़ अ मैन हु वाइफ इज़ डेड, इस तरह से उसकी वाइफ डेड मीन्स ख़त्म हो गई है, ऑफ हो गई है। तो देखो क्या लिखा है, ब्रैकेट में उसी में दिया गया है, आगे आप चेक करेंगे तो विडोवर लिखा हुआ है, तो ही इज अ विडोवर। ओके, द ऑडियंस चेयर्ड द स्पीकर ओवर एंड ओवर अगेन। द ऑडियंस चेयर्ड द स्पीकर रिपीट, देखो आगे पैराग्राफ में दिया है, रिपीटली लिखा है, रैपिडली लिखा है ना, तो हम ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार जो है उसके हमने बदले क्या लिखा है, रिपीटेडली, बार बार की जगह हमने लिखा है रिपीटेडली। ओके, फिफ्थ नंबर में बॉयज हु अटेंड स्कूल हैव टू वेयर स्कूल यूनिफॉर्म।
तो लिखो हमने क्या लिखा है, स्कूल बॉय हैव टू वेयर, स्कूल बॉय यहाँ पर लिखा है बॉयज हु अटेंड स्कूल हैव टू वेयर स्कूल यूनिफॉर्म, तो हमने क्या लिखा है बॉय लिखा है, तो हमने क्या कर दिया है स्कूल बॉयज हैव टू वेयर स्कूल यूनिफॉर्म। ओके सिक्स नंबर में देखो, दिस इज अ प्लेस वेयर ग्रेन इज स्टोर, दिस अ बर्न लिखा है, देखो बी ए आर एन बर्न पैराग्राफ में वर्ड दिया गया है, दिस अ बर्न, दिस इज अ प्लेस वेयर अगेन इज स्टोर, ये क्या हुआ था यहाँ पर दिया हुआ है दिस इज प्लेस वेयर अगेन इज स्टोर, यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्या हो गया है प्लेस स्टोर किया है, तो दिस अ बर्न। सेवेंथ में ही इज अ पर्सन हु ईट्स नो मीट, वो मीट नहीं खाता, तो देखो हमने क्या ही इज अ वेजिटेरियन, वो मीट नहीं खाता मीन्स नॉन वेज नहीं खाता, तो क्या खाता है तो ही इज वेजिटेरियन, ये हमें ऑप्शंस दिया हुआ है। फिर देखो एट नंबर में ही वॉज ड्राइविंग विदाउट एनी थॉट ऑफ सेफ्टी, वो ड्राइविंग विदाउट सेफ्टी के करता था, तो उसका हम क्या करेंगे मैनी में वन वर्ड में दिया है तो हम मैनी में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, ही वॉज ड्राइविंग केयरलेसली मीन्स वो ड्राइविंग अच्छे से नहीं करता। ठीक है फिर देखो नाइन नंबर में, दिस इज अ रूम फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए ये रूम है, और फिजिकल एक्सरसाइज कई तरह की होती है तो हम उसे मेंशन हमें पैराग्राफ में वर्ड दिया गया है जिमनेशियम, तो देखो दिस इज अ रूम फॉर जिमनेशियम। ओके वी गो टू स्कूल एवरी डे, तो वी गो टू स्कूल हम रोज स्कूल जाते हैं, तो वी गो टू स्कूल डेली, एवरी डे रोज आते हैं और डेली उसका ही डेली वर्ड मैनी में कन्वर्ट हो गया, वी गो टू स्कूल डेली। ओके ये आपको मैंने यही 10 एग्जाम्पल्स आपको समझ के क्या करना है होमवर्क में नोटबुक में मेंशन करना है इंग्लिश 2 में, यही आपका मैंने होमवर्क दिया गया है। ओके स्टे सेफ थिंक पॉजिटिव लेट्स प्रे फॉर द वेलबींग द वर्ल्ड, थैंक्स एंड रिगार्ड्स आंगन पब्लिक स्कूल।